नेम यानी महीनों के नाम। जैसे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, यानी उसे इंग्लिश में बोलेंगे 1 year 12 months। ओके, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, यानी महीने होते हैं। तो आज हम उन्हीं मंथ्स के बारे में सीखेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग। लेट्स गो। तो आज का क्या चैप्टर है? मंथ्स नेम। ओके, क्या है? मंथ्स नेम। ओके, MONTHS, मंथ्स नेम। ठीक है, आज का चैप्टर है मंथ्स नेम, यानी महीनों के नाम, जो टोटल 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, यानी 12 महीने। तो अब आप मुझे बताना है फर्स्ट क्या लिखा है, बताइए। अभी मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? जनवरी। क्या लिखा है? जनवरी। फिर ये क्या लिखा है? अब बताइए कि ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये फरवरी। क्या लिखा है? फरवरी। ओके, अब ये क्या लिखा है? अब बताइए कि क्या लिखा है? मार्च, MARCH, मार्च। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर ये है APRIL। अब बताइए कि क्या लिखा है? अप्रैल। क्या लिखा है? अप्रैल, APRIL, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये क्या लिखा है? ये लिखा है मई। क्या लिखा है? मई, पर कोई कोई बोलते हैं मई, ये गलत है, ये है मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फिर ये है JUNE, ये क्या लिखा है बताइए? ये लिखा है जून। क्या लिखा है? जून। फिर ये क्या लिखा? ओके, ये क्या लिखा है? जून। फिर ये क्या लिखा है? JULY, JULY। क्या लिखा है? जुलाई। क्या लिखा है? जुलाई। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब है अग, ये है AUGUS। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है अगस्त, AUGUST, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब ये क्या लिखा है? SEPTEMBER। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? ओके, व्हाट इज दिस? सेप्टेम्बर, SEPTEMBER, सेप्टेम्बर। नेक्स्ट इज OCTOBER। ठीक है, व्हाट इज दिस? अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। ओके, नाउ NOVEMBER। ओके, व्हाट इज दिस मंथ? नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। दिस इज नाउ लास्ट मंथ। ओके, दिस यू टेल मी, DECEMBER, which is this month? Last month, December, okay? DECEMBER, December, okay? Now we revise it again, okay? See first, JANUARY, January,
February, March, April, अप्रैल, May, June, जून, July, जुलाई, August, अगस्त, September, सितंबर, October, अक्टूबर, November, December. I hope you like my video. Please like, share and subscribe this video. और कमेंट में जरूर बताना मैंने कैसा पढ़ाया, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बाय।